Oh God, I'm helpless. Please मेरी मदद कीजिए. भगवान कस्तूरी जहां भी है उसे ठीक रखना. भगवान मेरे दद्दू कहते हैं आपसे सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो आप वो इच्छा पूरी कर देते हैं. कस्तूरी को मिला दीजिए प्लीज. भगवान प्लीज. ए कुंवर, ये क्या कर रहा है? क्या तेरा भगवान तुझे कस्तूरी को ढूंढ के देगा? चल चल चल, उठ उठ, उसे ढूंढ. ए ढूंढ के देगा वो. और अगर तुझे कस्तूरी की चिंता है ना तो तू भी बैठ बैठ. अरे बैठ, तू भी पूजा कर, मांग भगवान से. भगवान कस्तूरी जहां भी है उसे सलामत रखना और हमें जल्दी उससे मिला दे. अरे मांगना. हे भगवान, लोग कहवे कि तू इस दुनिया में है, मैं नहीं मानता, लेकिन अगर तू है ना तो मेरी कस्तूरी को मुझे मिला दे. मेरी कस्तूरी कुछ हो गया ना तो याद रखना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. तो मेरी कस्तूरी को मुझे मिला दे. भंवर. हाँ कस्तूरी. क्या? कस्तूरी, कस्तूरी तुम ठीक तो हो ना? अरे कहाँ चली गई थी तुम? ना कोई आता ना पता, बिन बताए चली गई. जानती हो हमने तुम्हें कितना ढूंढा, कितने परेशान थे हम. पंची तू कस्तूरी के साथ? अरे यश भैया, ये तो आपको खोजते खोजते जयपुर महल में पहुंच गई थी. ये तो अच्छा हुआ कि इसे मैंने देख लिया. अगर किसी और ने देखा होता ना तो समझो हो गई थी छुट्टी, फिर इसे मैं यहाँ ले आया. पहली बार तूने अकलमंदी का काम किया. वो तो है. तुम अकेले मुझे जयपुर ढूंढने गई थी? और नहीं तो क्या, आपने वादा किया और आप आई नहीं, इसलिए मैं आ गई आपको ढूंढने. सो स्वीट. क्यों, क्या हुआ? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? हमारे में तो दोस्तों का हाथ ऐसे ही पकड़ते हैं. अच्छा जी, और हमारे यहाँ दोस्तों का हाथ ऐसे नहीं पकड़ते. तो छुड़ा लीजिए हाथ. कहाँ चली गई थी तुम? तुमको मालूम कितनी फिक्र हो रही थी मेरे को? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? ये दो दिन भंवर सिंह कितनी बार मर चुका है, कहाँ चली गई थी? और आने के बाद भी उस कुंवर से हंस हंस के मिल रही थी जैसे भंवर सिंह है ही नहीं इस दुनिया में. और ऐसे क्या कह दिया था? क्या हो गया था जो तू इस बस्ती को छोड़ के चली गई? अपने भंवर सिंह को छोड़ के चली गई तू? इस माथे में कितने बुरे बुरे ख्याल आए, क्या क्या नहीं सोचा. तू आई ना, तो
जान में जान आई मेरे। एक हस्ता क्या जबरदस्ती की मैंने? हा? तुमने मेरे साथ शादी की जबरदस्ती नहीं की, जबकि तुम जानते हो कि मैं कुंवर जी के साथ बंबई जाने वाली हूँ। मैंने उन्हें अपना वचन दे रखा है और तुम हो कि शादी की रट लगाए रखे हो। भंवर सिंह, शादी कोई मजाक है क्या? किसी को पाने के लिए, किसी से शादी करने के लिए उसका दिल जानना, उसका मन जानना बहुत जरूरी होता है। और तुम हो कि मुझसे कुछ पूछे बगैर, कुछ जाने बगैर बस ये ठान ली कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और वो भी कल। मैं तुमसे इतनी परेशान हो गई, इतनी नाराज हो गई कि मैंने तो सोच लिया कि अपनी जान दे दूंगी रेल की पटरी पर। नहीं 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 कसूरी नहीं, तू ये जान देने की बात मत कर। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा तेरे साथ, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैंने तो सिर्फ बचपन का दोस्त समझ के हक से शादी की बात की थी, और अगर तू ये कहती है कि मैंने जबरदस्ती की तो मैं ये जबरदस्ती कभी नहीं करूंगा। कस्तूरी, मैं जिंदगी भर तेरा इंतजार करूंगा, मरते दम तक तेरा इंतजार करूंगा। मैं तेरे मन को जीतूंगा, तेरे को जीतूंगा। जब तक तू शादी की बात नहीं करेगी ना, तब तक मैं तेरे साथ में शादी नहीं करूंगा। बस नहीं करूंगा, लेकिन तू एक बात का वादा कर, ये जान देने की बात कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। कस्तूरी, जिंदगी में पहली बार ये हाथ मैंने तेरे पे उठा था, मेरे को माफ कर दे कस्तूरी। बाबर, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। बाबर, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा नहीं लगा बाबर। मैं तेरा इंतजार करूंगा, मरते दम तक तेरा इंतजार करूंगा, और जब तक तू शादी की बात नहीं करेगी ना, कभी इस जिंदगी में शादी की बात तेरे से नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। माफ कर दे मेरे को। करता भी क्या, भंवर तुम्हारे बचपन का दोस्त है, इसका तो हक बनता है। और फिर तुम गलती करोगी तो सजा तो मिलेगी ना। मैंने क्या गलती की? आहा, मैंने क्या गलती की? तुम यहां से जयपुर तक बिल्कुल अकेली चली गई, तुम्हें कुछ हो जाता तो किसको फर्क पड़ता? आपको फर्क पड़ता? थप्पड़ मारूं? वैसे मैंने कोई गलती नहीं की, गलती आपकी है। जाते हुए आपने तो कहा था कि मैं जा रहा हूँ, आने के लिए जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन आप तो आए नहीं। मैं सुबह शाम आपकी इंतजार करती रह गई, मगर आप नहीं आए, आखिर मुझे ही आना पड़ा। कुंवर जी, हमारे वहाँ रिवाज होता है कि जब दोस्त कोई दोस्ती करता है तो निभाता है, झूठे वादे नहीं करता है, कुछ भी हो जाए वादों को सब निभाता है। कस्तूरी, मैं जल्दी आ जाता लेकिन वहाँ मेरे परिवार में। हाय राम, क्या हुआ आपके परिवार को? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी बहन की सगाई हो रही थी इसलिए मैं लेट हो गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वैसे कसूरी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वही तो मैं सोचूं, मुझे इतनी सारी हिचकियां आती थी और मुझे लगती थी सारी की सारी कुंवर जी की हिचकियां हैं। आपको हिचकियां आई? हिचकियां? मुझे तो कोई हिचकी विचकी नहीं आई। क्या, मैंने आपको इतना याद किया और आपको एक भी हिचकी नहीं आई? अरे आई बाबा आई, मैं 3 दिन तक हिचकियां ही मारता रहा, और मेरे बड़े भाई साहब है ना, वो डॉक्टर हैं, उनको बुलाना पड़ा, फिर उन्होंने मेरी हिचकियां दूर की। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत किस किया। क्या किया? किस किया? तुमने मुझे कब किस किया? जब आप वहाँ थे जयपुर में। जब मैं जयपुर में था तुमने मुझे किस किया? हाँ,
तुम यहाँ थी और मैं वहाँ था और तुमने मुझे किस किया? हाँ, आपने ही तो कहा। तुम जानती हो किस क्या होता है? याद करना। ओह गॉड, मैं बताता हूँ तुम्हें किस क्या होता है। इसे कहते हैं किस। हाय दया, बहुत भोली हो तुम। ये सब वहां मुंबई में नहीं चलेगा। तुम्हें बहुत सारी नई चीजें सीखनी है कस्तूरी। वहां मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सलोनी, वो तुम्हें शहर के तौर तरीके सिखा देगी। नया रूप, नया नाम, अच्छे कपड़े, गहने, मेकअप, हेयर स्टाइल, टेबल मैनर्स, वो तुम्हें अंग्रेजी बोलना भी सिखा देगी। ये सब चीज़ें तुम्हें सुर और ताल की दुनिया में कदम रखने से पहले बहुत काम आएंगी। ये तुम क्या लगा रखा है? आप नहीं आएंगे मेरे साथ मुंबई? अरे मैं आऊँगा ना। अरे पगली, मेरी तो ट्रेनिंग हो चुकी है। तुम्हें वहाँ मुंबई जाना है और नई नई चीज़ें सीखनी है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो ठीक है, वरना आप कह देंगे देख कस्तूरी वो रहा बंबई का आसमान, पंख पसार और उड़ जा। लेकिन कुंवर जी, मैं आपके बगैर एक पल कहीं नहीं जाऊंगी। कस्तूरी, हर पंछी अपनी उड़ान शुरू करने से पहले आसमान की ऊंचाई को देखकर घबराता है, लेकिन जब वो एक बार उड़ना शुरू करता है ना, तो आसमान भी उसके लिए छोटा पड़ जाता है। ठीक उसी तरह तुम्हें भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, लेकिन बिल्कुल अकेले, ये सोच कर कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं भी नहीं। कुंवर जी, अगर आप मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं एक पल कहीं नहीं रहूंगी। फ्रेंड कहते हो और अभी से हाथ छोड़ दोगे? अरे पगली, फ्रेंड कहता हूँ इसलिए तो तुम्हारे साथ हूँ। फ्रेंड friend तूने अपना हाथ चलाया सिर्फ इसलिए कि तूने मुझे मारा? अरे पगले, तू हाथ चलाएगा तो ढोल कैसे बजाएगा? हाँ कस्तूरी किसके ताल पे नाचेगी? तूने मुझे मारा भावर, पर मुझे बुरा नहीं लगा। सच भावर सिंह, सच में कस्तूरी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उसी बात का यकीन करो। तुम्हारी इस हरकत को देख के तो सिर्फ एक बात समझ में आती है कि तुम्हारा दिल वाकई बहुत साफ है। अरे तुम दोनों की बचपन की दोस्ती को देख के तो मेरा दिल कहता कि काश मेरा भी तुम्हारे जैसा कोई दोस्त होता। एनीवेज, चलो चलो डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारा हाथ ठीक करा कर। अरे मैं लेप ले आई, दे दे मैं लगाती हूँ। भवर, तू मुझसे एक वादा कर कि तू फिर ऐसा कभी नहीं करेगा। पता है मुझे कितना दुख हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ जला है।
तूने मेरे को माफ किया कस्तूरी। हाँ बाबा, मैंने तेरे को माफ किया। सच्ची? सच। मैं तेरे को वादा करता हूँ, मैं कभी तेरे साथ में जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, शादी की जिद भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक वादा कर, तू मेरे को ऐसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। मैं तेरे को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तुम बाद में क्या क्या छुपा रहे हो तुम? ओ, मुझे मारने आए थे ना, रुक क्यों गए? अरे मारो ना भंवर सिंह, मारो। इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल नहीं आता हूं, देखो मारो। अरे रुका क्या है, मारना। अजीब आदमी है यार तू, एक पल दोस्ती करता और दूसरे पल दुश्मनी। नजर क्यों झुका रहा है? एक क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो। आज ये कहानी मैं खत्म करता हूं। तुम बहुत बड़े डरपोक हो, बहुत बड़े डरपोक। नहीं, तुम मुझसे नहीं डरते, तुम कस्तूरी से डरते हो। तुम जानते हो अगर तुमने मुझे मार डाला होता तो उम्र भर तड़पते रहते, क्योंकि कस्तूरी तुम्हें कभी भी माफ नहीं करती, कभी भी। अरे भंवर सिंह, तू कस्तूरी को चाहता है ना, ये कहता ना तू? अरे कैसी चाहत है तेरी? भंवर सिंह, जब तुम किसी को चाहते हो ना तो उसे खुला छोड़ देना चाहिए। अगर वो तुम्हारा है तो वो जरूर तुम्हारे पास आएगा, और अगर वो लौट के ना आए तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तू कस्तूरी को रेत की तरह अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश मत कर, क्योंकि जब तू अपनी मुट्ठी खोलेगा ना तो तुझे रेत के सिर्फ कुछ कण नजर आएंगे, सिर्फ कुछ कण। लेकिन अगर अपनी हथेली खुली रखेगा वो रेत वहीं की वहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ये सब बातें तो तेरी समझ से बाहर है, बिल्कुल, क्योंकि तू सिर्फ एक भाषा जानता है, ये। चल ठंडा हो जाए, रिलैक्स। सिगरेट पिएगा?